अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अयोध्या में बने राम मंदिर के उद्घाटन में ठाकरे परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर कलवा मुमरा के विधायक व पूर्व मंत्री जितेंद्र अवहाड ने बयान दिया है। जितेंद्र अवहाड ने कहा है कि देश जानता है कि बाला साहब ठाकरे की भूमिका राम मंदिर में क्या थी। चाहे हिंदू से पूछो या फिर मुसलमान से पूछो, सभी उनके बारे में जानते हैं कि उनका राम मंदिर से नाम जुड़ा हुआ था। ऐसे में उन्हीं के परिवार को अब राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है, जो गलत है। जितेंद्र अवहाड ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। उद्घाटन के लिए ठाकरे परिवार को जो है निमंत्रण नहीं किया गया। बाल ठाकरे हमेशा का गलत बात है। राम सभी का है, मेरा है, तुम्हारा है, सभी के दिलों में राम बसता है। बाला साहब ठाकरे की भूमिका कोई भूल नहीं सकता राम मंदिर में। अगर उनके ही परिवार को नहीं बुलाया गया है, ठीक है, हमारे उनके साथ इस मामले में मतभेद है और रहेंगे, पर उनका नाम राम मंदिर से जुड़ा था ये भारत में कोई भी इनकार नहीं, मुसलमान हिंदू कोई भी हो इनकार नहीं कर सकता। कोई दिल से नाराज होके उनका नाम लेगा, कोई दिल से खुश होके उनका नाम लेगा, लेकिन उनका नाम जरूर लेगा।